नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। जहां एक तरफ संसद के विशेष सत्र के पहले दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई गई है, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। संसद के सत्र के साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण के बाद दो प्रमुख मुद्दे केंद्र में रहेंगे। इनमें एक है नीट यूजी पेपर लीक और एनटीए विवाद, जबकि दूसरा मुद्दा है नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस की सीटें भी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास करीब 52 सीटें थी और इस बार बढ़कर 99 हो गई हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन पिछली बार के मुकाबले काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। ऐसे में संसद सुचारू रूप से चलेगी या संसद का विशेष सत्र हंगामे के चलते 17वीं लोकसभा की तरह ही ठप रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या विपक्षी सांसद जनता के मुद्दों पर सदन में बहस करेंगे या फिर हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई चलेगी? क्यों सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जिस तरह के सदन के बाहर परिसर में हाथों में संविधान की किताब लेकर नारेबाजी की है, उसे अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। बता दें कि इस बार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हावी होता हुआ नजर आएगा सरकार पर, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, रेल हादसों का मुद्दा हो। ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ हैं और विपक्ष उसे भुनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। सदन के अंदर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर आपको बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में संविधान की कॉपी लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि क्या विशेष सत्र में हंगामा होगा या काम होगा? क्या विशेष सत्र इस बार 17वीं जिस तरीके से सदन की कार्रवाई हुई थी, क्या 18वीं कार्रवाई भी वैसी ही होगी? क्या विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई पूरी होगी? क्या विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है, ऐसे में सदन में काम किया जाएगा या महज नारेबाजी ही होती रहेगी और हंगामे की भेंट चढ़ेगा सदन? हाथ में संविधान की कॉपी और नारेबाजी करते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक और जहां पर शपथ ग्रहण चल रहा है सदन के अंदर, तो सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी पर चर्चा करेंगे। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं, जहां विशेष सत्र सदन का बुलाया गया है, शपथ ग्रहण एक और जहां चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का जमकर हंगामा जारी है। विपक्ष हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। जहां एक तरफ संसद के विशेष सत्र के पहले दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई गई, तो विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला है। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। संसद के सत्र के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण के बाद दो प्रमुख मुद्दे केंद्र में रहेंगे। इनमें एक नीट यूजी पेपर लीक और एनटीए विवाद है, जबकि दूसरा मुद्दा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस की सीटें भी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 52 सीटें थी और अब बढ़कर 99 हो गई हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, क्या एक बार फिर से सदन जो है वो क्या विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या वहां पर काम होगा? क्या कुछ रणनीति विपक्ष की रहने वाली है? खेमचंद्र शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक शुक्ला जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं खेमचंद्र शर्मा जी से करना चाहूंगी। खेमचंद जी, आज
जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई, आज पहला दिन है और शपथ ग्रहण समारोह की जहां चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विपक्ष जमकर नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। हाथ में संविधान की कॉपियां लेकर जिस तरीके से वो एक विरोध प्रदर्शन जता रहा है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की मजबूती है वो इस बार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको आवाज आ रही है? नमस्कार जयहन जी आवाज आ रही है आपको? जयहन नमस्कार। जी 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 कंटिन्यू करिए प्लीज। देखिए, हम उम्मीद करते हैं विपक्ष सकारात्मक रूप से सहयोग करेगा। अगर विपक्ष सकारात्मक रूप से सहयोग नहीं करता तो जनता देख रही है, और अगर वो दिखाने के लिए संविधान की कॉपी हाथ में रखते हैं, संविधान को मानते नहीं, संविधान की इज्जत नहीं करते, संविधान की जो स्पिरिट है कि भाई विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर देश के विकास में और देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो देश देख रहा है और जनता देख रही है, जनता निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरी पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को आगे ले जाना चाहती है, विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है और युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का कल्याण करना चाहती है, उसमें विपक्ष भी सहयोग दे और उनके जो भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको जरूर सुनेगी। तो हमें उम्मीद है कि विपक्ष सहयोग करेगा, अगर नहीं करता तो जनता देख रही है। हम अपना काम करते रहेंगे, सकारात्मक रूप से करते रहेंगे, लगातार हम प्रयास भी करते रहेंगे कि विपक्ष हमारे साथ मिलके देश की जो सुरक्षा है, देश की जो डेवलपमेंट है, उसमें सहयोग करें। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। डॉक्टर अश्विन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई और विपक्ष जो है बाहर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है हाथों में प्रतियां लेकर, तो ये आगाज जिस तरीके से कर रहा है विपक्ष, इस पर क्या कहना है? ऐसा है यतीजी की देखिए, जिस तरह से हमारे प्रेमचंद जी कह रहे थे, ऐसा 5 साल पिछले जिस तरह से सरकार ने, सत्ताधारी पार्टी ने संसद को चलाया, उसी का परिणाम है कि इस बार जनता ने इतना आशीर्वाद देकर एक मजबूत विपक्ष भेजा और इनकी सीट 240 तक ला दी। ऐसा है कि जब संविधान का इसलिए अपने हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही है विपक्ष, क्योंकि जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई है उसमें देखिए परंपरा रही है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जबकि कांग्रेस के सुरेश जी 8 बार के सांसद हैं, लेकिन मेहताब जी 7 बार के सांसद हैं, वो भी विभिन्न पार्टियों से होकर आए हैं, और पहले बीजू जनता दल से, अब भाजपा में कुछ वर्षों पहले आए और वो 7 बार के हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ये कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ाई रही है, ठीक है संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी एक परंपरा रही है कि जो सबसे वरिष्ठ सांसद है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और 26 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होना है। देखिए उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, जो सभी घटक दल के लोग, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक गठबंधन है, सभी घटकों के प्रमुख नेताओं की जो राय होगी वैसा हम लोग फैसला लेंगे। ये तो तय है कि पिछले तरह जैसे पिछली सरकार में इन्होंने संसद को चलाया, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष पिछले सरकार में जो थे लोकसभा अध्यक्ष चलाया अपनी मर्जी का, वो अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि पहले विपक्ष संख्या उतनी नहीं थी, हमारे पास जनता का उतना आशीर्वाद नहीं था, उतना प्यार नहीं था, अब तो जनता ने प्यार दिया, भाई हमको ठीक है हमारे गठबंधन को वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से बहुमत की सरकार बनाती थी वो भी नहीं बनाई है, वो भी मिली जुली सरकार है, वो कब तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इनके साथी कब तक इनके साथ रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, ये इसी का परिणाम है जो पिछली बार जिस तरह से संसद को इन्होंने एकाधिकार रखते हुए चलाया, जब चाहे तो विपक्ष के नेता को का माइक बंद कर देना। उपाध्याय जी, अभी प्रेमचंद जी कह रहे थे कि मिलकर काम करिए ना जी, मिलकर काम करिए, अगर इस तरीके से हंगामा होगा, काम तो होगा नहीं, कितना पैसा बर्बाद होता है एक दिन, एक एक दिन सदन का जिस तरीके से चलता है वो जनता का पैसा है, और अगर आप काम ही नहीं करने देंगे, इस तरीके से हंगामा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? जी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की उतनी सरकार की भी है। मैं आऊंगी खेमचंद जी, रुके की बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी, खेमचंद जी रुकेगा प्लीज, विपक्ष को खेमचंद जी रुकिएगा प्लीज जी, जब वो विपक्ष के नेताओं को
उनका जो अधिकार है जो महत्व देते रहेंगे उस तरह से हम भी समर्थन करेंगे। और ठीक है, मयंक शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। मयंक शुक्ला जी, ये जो हंगामे चल रहे हैं बाहर सदन के, इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी वैसे भी लोकतंत्र में और परंपराओं में विश्वास करती नहीं है, क्योंकि जो भाजपा का कल्चर है वो लोकतंत्र विरोधी है और जो संस्कार है उसकी बहुत कमी अक्सर देखी जाती है। जब कोई व्यवस्था है, जब कोई संविधानिक व्यवस्था है, जब कोई परंपराएं हैं, तो उसका निर्वाह करना चाहिए। अगर आप निर्वाह नहीं करेंगे और इसे हंगामे का नाम मत दीजिए, ये एक विरोध है, प्रदर्शन है। और लोकतंत्र में हमें हर संवैधानिक रूप से हमें एक अधिकार मिला है कि यदि कुछ गलत होता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। तो इसे हंगामा ना कहे के विरोध प्रदर्शन कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। और बल्कि मैं कहूंगा कि ये जनता की आवाज है, कि जनता ने जन समर्थन समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को दिया है, उसमें एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हमको तय करी है जनता ने। तो उस मजबूत विपक्ष के माध्यम से हम जो भी मामले जनहित में होंगे, जो भाजपा के गलत काम होंगे, यदि वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, अग्निवीर जैसी योजनाओं को प्रमोट करेंगे, वो किसान विरोधी काम करेंगे, जन विरोधी काम करेंगे, नौजवान विरोधी काम करेंगे, तो उनके किए हुए हर गलत काम का विरोध करने का अधिकार हमें जनता ने दिया है, हमें किसी और ने नहीं दिया है। तो जब जनता ने हमें अधिकार दिया है तो हम पूरी मेहनत से, शक्ति से, ताकत से इस हर उस चीज का विरोध करेंगे जो जन कल्याण के खिलाफ होगा, जो जन विरोध में होगा। तो अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीति, कभी किसानों के खिलाफ बना देते हैं नियम, कभी नौजवानों के खिलाफ, कभी जो है पेपर लीक कर रहे हैं उनको कुछ को कह नहीं पा रहे हैं, इनका बुलडोजर जंग खा जाता है क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग होते हैं। तो जो व्यवस्था है, जो जनता का काम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी विरोध भेजा है हमें, और जनता की गाड़ी कमाई से ये लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलता है, तो जनता की उस गाड़ी कमाई को बिल्कुल सही तरीके से उपयोग हो, इसकी जिम्मेदारी भी विपक्ष की बनती है, क्योंकि सरकार तो कोई जिम्मेदारी उठाने के मूड में लग नहीं रही है। सदन ठीक तरीके से चले, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास, आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, आज कैसे देख रहे हैं, हंगामे के साथ आगाज हुआ है, आगे तो अभी बहुत बड़ी एक जंग जो है वो जारी रहेगी मुझे लगता है, जिस तरीके से विपक्षी दल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, काफी समय बाद या वर्षों बाद कह लीजिए विपक्ष बड़ा मजबूत दिख रहा है, और यही कारण है कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है, और खोल करके सरकार के विरोध में या सरकार की नीतियों के विरोध में आज उसने वहां पे एक असांकेतिक प्रदर्शन किया या एक मैसेज दिया कि अब वो विपक्ष पहले जैसा विपक्ष नहीं है, जो आप जिसको दबा देते थे, जिसको आप उसकी आवाज को कुचल देते थे, अब विपक्ष मजबूत है और अपनी बात को पूरी तरह से रखेगा। सरकार की जो नीतियां हैं जिनसे जनता को परेशानियां हो रही हों, चाहे वो परीक्षा का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो या अन्य जो भी मामले हैं, उनको लेकर के विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार के विरोध में सस्ते सड़क तक विरोध करेगा। ये आज उन्होंने इसका एक शुरुआत की है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग एक हैं और पूरी मुस्तैदी से आपके विरोध में खड़े होंगे। वापस आएंगे आपके पास, खेमचंद जी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, अभी ये के सुरेश जी की बात कर रहे थे, हम सब जानते हैं के सुरेश जी की कंटिन्यूटी नहीं है, उनके लिए ब्रेक था, और जिस तरीके से ये बातें करते हैं हम सब जानते हैं इसके लिए कोई संविधान में कोई परिपाटी नहीं, ये जो कन्वेंशन है, मतलब जो पीछे से जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार होता है। और 2004 की अगर मैं याद दिलाऊं तो सबसे सीनियर पार्लियामेंट्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके बाद जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन उन्होंने किसको बनाया, उन्होंने अपने सांसद को बनाया। अब किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, हम सब जानते हैं। अभी जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया है वो लगातार बिना किसी ब्रेक के सांसद हैं। तो ब्रेक और विदाउट ब्रेक एक रूल होता है, और विदाउट ब्रेक के 7 बार के सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं। आप कह रहे हैं कि वो कई पार्टियों से घूम के आए, आपके यहाँ बहुत सारे नेता हैं जो बहुत सारी पार्टियों से घूम के आए, इस तरीके से आपको एक प्रोटेम स्पीकर का अपमान करेंगे, ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग करेंगे, तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि आपको उड़ीसा से चिढ़ है, क्योंकि उड़ीसा में आपकी दाल नहीं गल पाई तो आप उड़ीसा उड़िया लोगों को आप बदनाम करना चाहते हैं, उनको अपमानित करना चाहते हैं।
मयंक शुक्ला जी अपनी बात को पूरा करें। देखिए बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी 2009 में चुनाव हार गए। बरेली के सांसद भारतीय जनता पार्टी के संतोष गंगवार जी 2009 में चुनाव हार गए थे, 2014 में जीते थे तो उन्हें भी ये स्पीकर बनाया गया था, तो ये भी तो ब्रेक वाली बात है। तो भाजपा के नेताओं के साथ यही दिक्कत है कि खुद कुछ भी करे तो उस पर नियम बना देते हैं, और जब सामने से कोई काम हो रहा होता है, विपक्ष कोई काम करता है तो उसमें कमियां बिनने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ स्वच्छ मन से जनहित में काम करना चाहिए, और उन्हें जो अपने कॉर्पोरेट के दोस्त हैं उनसे दोस्ती ना निभा के जनता से दोस्ती निभानी चाहिए, और अगर वो ये काम नहीं करेंगे, वो अपने प्राइवेटाइजेशन को, गलत नीतियों को प्रमोट करेंगे, और जो विपक्ष, जो जनता ने भी मजबूत विपक्ष बनाया है, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, और हर तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होगा संसद से लेकर सड़क तक की जो बात होती है वो हम लोग करेंगे, और जनहित के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि आप खुद ही रूल्स बनाते हैं फिर खुद ही तोड़ते हैं, और जब आपको जिस राह जाना होता है आप उधर एक नया नियम खड़ा कर देते हैं। नहीं, संतोष गंगवार जी के बारे में सब जानते हैं, उस समय वो सबसे वरिष्ठ थे। अब ये बातें करते हैं, आपने खुद से जब 2004 में पीपल पार्टी नहीं मानी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस जी को नहीं बनाया, तो अब हार चुके हैं, क्यों अननेसेसरी बातें उठाते हैं। और ये प्रोटीम स्पीकर को ही परमानेंट पोस्ट नहीं, 2 दिन का है, शपथ दिलाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो स्पीकर आएंगे परमानेंट वो हमारे संसद को चलाएंगे। इनको तो नो इश्यूज खड़े करना है, मतलब इनके पास कोई सकारात्मक चीजें नहीं है, सकारात्मक इशू नहीं है, सकारात्मक बातें नहीं है, सहयोग नहीं कर सकते, कोई रोड मैप प्रस्तुत नहीं कर सकते, हमारा देश, हमारी समाज इस तरीके से आगे जाए, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं तो हम उसमें और क्या सहयोग कर सकते हैं, ये सहयोगात्मक नहीं, ये नकारात्मक, ये इनको ऐसा लगता है कि घमंड देखे इनका, हम अब 232 हैं, पहले हम 160 थे, हम दब जाते थे। अरे दबने दबाने की बात ही नहीं, संसद है, संसद में मेजोरिटी के हिसाब से सरकार बनती है, आपकी मेजोरिटी नहीं है, आप हार गए, आप सभी दल मिलकर हार गए, इवन भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं ला पाए, एनडीए की तो 300 से ज्यादा सीटें हैं, एनडीए के पास सत्ता है, एनडीए को जो मिला नहीं है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो जिस तरीके से आप सदन में जब एंटर करेंगे तो आपको चारों तरफ ज्यादातर बीजेपी के लोग या जो बीजेपी के साथ जुड़े दल हैं उन वो लोग अपने चेहरे नजर आते थे, अब तो ठीक ठाक विपक्ष के चेहरे नजर आएंगे, और जाहिर सी बात है जितने चेहरे उतनी बातें, उतना ही मुद्दों को उतनी ही आवाज उतनी ही दी जाएगी, उतनी ही गंभीरता दी जाएगी। तो विपक्ष तो इस बार पूरे दमखम के साथ नजर आ रहा है, विपक्ष तो तैयार है कि आपकी नहीं चलने देंगे, जो गलत होगा उसका खुलकर विरोध करेंगे। नीट परीक्षा इस समय जो पेपर लीक हुआ ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में है। ये नीट में सरकार ने सक्सेसर हाँ मैं आऊंगी मयंक जी इसके बाद आती हूँ। सीबीआई को बड़ी सौंप दी, मयंक जी इसके बाद आती हूँ। हम सब जान रहे हैं कि कहाँ से इनपुट आ रहे हैं, अभी जो जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा किसने इसमें सहयोग किया, किसने परीक्षा को लीक कराया, कहाँ से लीक हुई तो पता चल जाएगा। और हम लोगों ने तो सख्त कानून भी इंट्रोड्यूस किया है, इनके जमाने में तो लीक भी होते थे, बच्चे हाथ कर मार के थक जाते थे, परीक्षाएं दोबारा तक नहीं होती थी, कैंसिल नहीं होती थी, क्योंकि इनके जो प्रिय है, इनके जो साठ गांठ वाले लोग हैं उनको पहुंचाना होता था पहुंचा देते थे। हमारे यहाँ पे अगर कोई भी कमी दिखती है तो उस पर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो रही है, तक हमने कानून इंट्रोड्यूस किया है ताकि ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जा सके। अब ये किस मुंह से हम हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, रही बात अब ये कहें कि भाई नहीं हम ज्यादा नंबर में आ गए, अरे ज्यादा नंबर में आ गए, कम नंबर में आ गए, आप हार गए, सरकार बनाने के लिए आपको मैंडेट नहीं मिला है, आपको सहयोग करने के लिए मैंडेट मिला है, आपको पॉलिसीज का रिव्यू करने के लिए मैंडेट मिला है, आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने के लिए मैंडेट मिला है, बैंक शुक्ला जी को बाधित करने के लिए नहीं। बैंक शुक्ला जी अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैंक शुक्ला जी, मयंक शुक्ला जी सुन पा रहे हैं मुझे? दो बातों पे मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं वो थोड़ा सा भूल गए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले विपक्ष से ज्यादा है। मैंने बता देना चाहता हूँ कि पूरा एनडीए मिलकर 36 सीटों पे है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी 37 सीटों पे है, तो ये जो जनादेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और यही जनादेश 2027 में जब जाएगा तो समाजवादी पार्टी की 350 सीटें आएंगी,
और मुझे लगता है कि नीट पे पेपर लीक पे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। 12 से ज्यादा पेपर लीक करा चुके हैं और जितने लोग पेपर लीक कराने में शामिल थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल रहे हैं। तो इनका बुलडोजर जंग खाया हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि बुलडोजर चलाएंगे किस पे, जब खुद ही मिली भगत है। ये चाहते नहीं है कि कोई एग्जाम हो, ये चाहते नहीं कोई रोजगार पैदा हो, ये चाहते ही नहीं है। ये तो जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता जनार्दन है, ये भूल जाते हैं। ठीक है एचएन उपाध्याय जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। चुनाव में नीट की परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा परिवार इस वक्त प्रताड़ित है। 25 लाख परिवार इस वक्त उस द्वेष दंश को झेल रहे हैं पेपर लीक के। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सामान्य ज्ञान ठीक रखना चाहिए और ये जानकारी रखनी चाहिए कि इनकी सरकार में ऐतिहासिक पेपर लीक हुए हैं, जितने कभी 50-70 साल में नहीं होंगे, उतने इन्होंने 3-4 साल में लीक करा के छुट्टी कर दी है। एचएन उपाध्याय जी, हाँ ऐसा है कि हमारे खेमचंद जी भाई साहब जो कह रहे थे, पहले उसका जवाब हम दें कि उड़ीसा या उड़िया का हम लोग असम्मान नहीं करते हैं। हम सभी राज्यों का, सभी समुदायों का, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। आप जब ये नवीन पटनायक जी आज से साठगांठ किए थे तो उनकी बीमारी के लेकर आपकी पार्टी के लोगों ने मजाक उड़ाया, तो उस समय उड़िया का सम्मान कहाँ गया था। जब उड़ीसा की आदिवासी राष्ट्रपति को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, उस समय आपका कहाँ सम्मान गया था। दूसरी बात, फिर बेतु की बातें, फिर बेतु की बातें, फिर बिना सिर पैर की बातें, हमारे सुनिए हमारे, अरे बिना सिर पैर की बात करोगे आप, अनर्गल बातें करोगे आप। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बोलने दीजिए, बीच में हमने नहीं बोला। उड़ीसा का सम्मान उस समय कहा, देखिए अब भगवान श्री राम अयोध्या सीट हार गए तो भुला गए, अब भगवान जगन्नाथ ठीक है वो भी भगवान है याद करने लगे। अयोध्या सीट हारे नहीं, हम जीते हैं, हम लोकसभा हारे हैं, अयोध्या विधानसभा नहीं हारे, भगवान श्री राम को भूल गए, विधानसभा है। आपको पता होना चाहिए, और उड़ीसा आपको पता होना चाहिए, अयोध्या विधानसभा है, लोकसभा नहीं है। बोलने दीजिए, देखिए बीच में नहीं, जब आपने उड़ीसा के असम्मान की बात कही तब हम ये बात उठाए हैं। आप जय जगन्नाथ जी का नारा लगा रहे थे, जय श्री राम का जो 30 साल से नारा लगा कर सत्ता तक पहुंचे हैं, उनको बस एक सीट अयोध्या से हार गए, तो आप लोग जो अयोध्या वासी बुरे हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश के वासी बुरे हो गए, और आपको वहां के भगवान श्री राम को भी भूल गए। ठीक है कि इनके, इन लोगों का यही है हाल, आलोक त्रिपाठी जिसके साथ रहते हैं। आलोक त्रिपाठी जी कैसे देख रहे हैं, एक सेकंड खेमचंद जी, आलोक त्रिपाठी जी आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि इस बार विपक्ष के पास फिलहाल दो बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं, एक तो ये पेपर लीक, ऊपर से ये प्रोटम स्पीकर को लेकर जो अभी बातें चल रही थी, प्रोटम स्पीकर तो चले ठीक है, लेकिन जो नीट है ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आवाज मिल पा रही है आपको आलोक त्रिपाठी जी? जी, बीच में इतने बड़े कि राम को लाएंगे, प्रभु राम को कौन ले आएगा। ठीक है रुक जाइए आलोक त्रिपाठी जी, आप अपनी बात को पूरा करें। जी जी, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया। आलोक त्रिपाठी जी, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में है, पेपर लीक मामला नीट का, और जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर एक रणनीति कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष ने बनानी शुरू कर दी है, और ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना वो लोकतंत्र की जो ताकत है वो सही मायने में नजर आने वाली है। बिल्कुल इसी जी, देखिए इस बार विपक्ष कह लीजिए कि तो विपक्ष मजबूत भी है, उत्साहित भी है, ऊर्जा भी है, और साथ साथ उसके पास सरकार को घेरने के मुद्दे भी हैं। ये सब चीजें विपक्ष के पास है, और यही कारण है कि आज पहले दिन जब संसद में वहां कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने बाहर बैठ करके विरोध किया और संविधान की प्रतियां लेकर के सरकार को ये चेताने का प्रयास किया, ये समझाने का प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि अब विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जिसकी आवाज को आप दबाते थे और जिसकी आवाज को आप जनता तक नहीं पहुंचने देते थे। अब विपक्ष खुल के आपकी जो विरोधी नीतियां हैं, जो सर पेपर लीक वाला मामला हो, चाहे परीक्षाओं का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, जो भी मामले हैं उसको विपक्ष पूरी मजबूती के साथ संसद से सड़क तक विरोध करेगा, आपके गलत नीतियों का जनता के सामने लाएगा, संसद में आपका हर उस गलत नीति
नीतियों का विरोध विपक्ष करेगा, क्योंकि विपक्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। तो ये विपक्ष का एक ऊर्जा कह लीजिए, काफी अरसे बाद जो मिली है एक ऊर्जा, उस ऊर्जा को उसने वहां पे दिखाने का प्रयास किया, और साथ ही उन लोगों के अंदर भी एक शक्ति हुआ कि हाँ हम पहले जैसी स्थिति में नहीं है, अब हम मजबूत हैं, और आने वाले कुछ चुनाव जो होने हैं उसके लिए भी उनका एक मैसेज है कि हम अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, हम दबने वाले नहीं है। जो अभी तक जिस तरह से दबा दिया जाता था विपक्ष की आवाज को, सांसदों को संसद से बाहर कर दिया जाता था, अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सत्ता पक्ष का विरोध करेगा। बिल्कुल, खेमचंद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए विपक्ष अनफॉर्चुनेटली अभी भी सकारात्मक नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से उनका घमंड उनके सर पे चढ़ रहा है वो घमंड बहुत ही भयंकर घमंड है, और उस घमंड से ना तो उनका फायदा होगा ना देश का फायदा होगा। अगर वो घमंड को छोड़ के सहयोगात्मक तरीके से राजनीति करें, जहां सरकार की कमियां दिखती हैं वहां पे क्रिटिसाइज करें, जहां सरकार अच्छा कर रही है वहां सहयोग करें, और संसद को चलने दें, क्योंकि संसद का काम कानून बनाना है, देश हित में आगे जो प्रोग्रेसिव काम है उनको सदन चलना चाहिए, सदन में काम होने चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि सदन में अगर इस तरीके से हंगामा भी होता रहेगा तो ये भी कहीं ना कहीं जनता का ही नुकसान है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, तो हम ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार सदन में क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से विशेष सत्र का आज आयोजन किया गया, पहला दिन है, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने हंगामेदार आगाज किया है, और मुद्दे की बात में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए खे न्यूज इंडिया, नमस्कार।